আছে কোন সে কঙ্কা শমশান দাবো হ্যাঁ কোন সে কঙ্কা আছে প্রকাশ আচ্ছা আর কাই কু ডালে থে ইসকে अंदर তুজে লাকে ক্যা বল কে ডালে থে ক্যা তকলিফ দে বলে থে খুলাসা কিতনে বার মে হুয়া খুলাসা ابھی পহলি চক্কর মে হুয়া কে তিসরি চক্কর মে হুয়া মে পহলি বার মে হুয়া अब ये मैं हाजिर करा तो 10 लाख 5 लाख कुछ तो दिए होंगे मुझे हाजिर करने के पूछाने के नहीं नहीं, नहीं, नहीं 2-4 लाख तो दिए चुंगे नहीं, 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 नहीं अभी सवाल जवाब करने के नहीं नहीं, नहीं, नहीं कुछ नहीं 2 लाख 5 लाख 10 लाख कुछ तो दिए होंगे नहीं, 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 नहीं। और दूसरी बात क्या बोलते थे तुम्हारा कितने चक्कर में हुआ हाजिर अभी पहली चक्कर में सामने बैठते ऐसे सबका अलग इधर मकान और इससे पहले कभी हाजिर हुआ क्या उनका घर पे लगा पूरी ताकत लगा जोर से लाओ बाहर से और फौज से झगड़ के लाओ उसको तेजी के साथ में कांच को खुला रख बाहर से बुलाओ फौज को तेजी के साथ में झगड़ो उसको जंजीरा लेके आओ उसको बाहर और जंजीरा डालो उसको खूब मार के टुकड़े करेंगे उसके लगा पूरी ताकत जोर से और जोर से और जोर से और जोर से जोर से पूरी ताकत लगा जल्दी लगा तो मुट्ठी काट के बाहर टांग दूंगा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जलाओ कुत्ते के साथ में अल्लाह और जोर से अल्लाह अकबर और जोर से अल्लाह अकबर और जोर से लगा पूरी ताकत हाँ लगा पूरी ताकत लगा कैमरा यहाँ से ले नजदीक से पहले हाँ झगड़ो उसको तेजी से और तेजी से लगा पूरी ताकत लगाना तो अभी तेरे पूरे टुकड़े कर देता हूँ कहाँ से पकड़ा था उसको शमशान से कब्रस्तान से बोलो क्या बोल रहे कहाँ से पकड़ा था उसको शमशान से कब्रस्तान से तेरे दोनों हाथ काट के बाहर टांग देने का सोच रहा हूँ मैं टांग दूँ जोर से बोल जोर से जोर से सबको सुने जोर से मुझे तो सुनत नहीं आ रहा जोर से जोर से काट ले रहा हूँ दोनों हाथों काट लूँ जोर से जोर से बोला तो सुनूंगा और जोर से लक्को लक्को काट लूं लक्को 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 चलो काट के लक्को भाई टांग दूं लक्को कितने साल से परेशान कर रहा था उसको 8 साल से 8 साल से अच्छा 8 साल से कहाँ से आया था कब्रिस्तान से शमशान से कौन सा गाँव का शमशान था वो कौन सा गाँव का आसिफ प्रकाश अच्छा और कई को डाले थे इसके अंदर तुझे लाके क्या बोल के डाले थे क्या तकलीफ दे बोले थे जल्दी बयान कर तो काट दूंगा क्या बोल के क्या तकलीफ दे बोले थे तुझे तकलीफ ये क्या नाम है पेशेंट का मसूद सैयद मसूद मसूद को क्या तकलीफ दो बोले थे सबको अच्छा कर रहा था सबको अच्छा कर रहा था क्या अच्छा कर रहा था क्या अच्छा कर रहा था क्या अच्छा कर रहा था लोगों को तकलीफ दे मसूद को तकलीफ दे दे बोले तो क्या तकलीफ दो बोले क्या क्या परेशानी डालो बोले नहीं इधर कर रहे ना उधर कर रहे ना जोर जोर से बोल नहीं इधर कर रहे ना नहीं उधर कर रहे ना नहीं अल्लाह और कामा बनना नहीं परेशान रहना घर में किरकिरिया होना बराबर हाँ और सब मालूम मुझे तेरी जबान जोर से काट दूंगा हाँ सब जने थू थू करना इसके हाँ जोर से इधर सब जने थू थू करना हाँ सब जने थू थू करना हाँ खाने खाने को वो जाना हाँ
परेशान परेशान रहना, इसको नौकरी नहीं मिलना, इसको खानदानी आमदानी कुछ नहीं मिलना। ये सेठ ने कराया है, ये सेठ बहुत खतरनाक आदमी है, ये सेठ ने कराया। जिसने भी कराया मंत्री को अभी नाम नहीं पूछा, मैं वक्त आने पे नाम पूछूंगा, अभी जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे तो पूरा काट दूंगा। भाई कहीं में मिला के खिलाए थे उसको, तेरे जाने का हुक्म ना दिया मैं, झगड़ा उसको ना रहा कुत्ते से। कहीं में मिला के खिलाए थे उसको, पानी में काय का पानी था, शरबत था, सादा पानी था, शरबत काय का शरबत था, वो गन्ने का जूस, जोर से गन्ने के जूस में पिलाया गया। कितना टाइम हो रहा करके वो पिला के? 8 साल। और इसका कुछ लिए थे जादू करने को, चप्पल मट्टी कपड़ा बाल? नहीं। जादूगर कितने पैसे दिया सो उन्हें जादू करने को इसके ऊपर? मुझे पता नहीं, जल्दी बोलो तो दो टुकड़े कर दूंगा। नहीं मुझे पता नहीं। कौन से गांव के शमशान से उठाए तुझे? आसिफ नगर से। शमशान के कब्रस्तान? शमशान से। जोर से। शमशान से उठाए थे, शमशान से। और इसके बच्चों को, उनको सबको परेशान कर रहा क्या तू घर में? हाँ जोर से बोल, जोर से, नहीं तो तेरा हाथ काट के बाहर टांग दूंगा दोनों हाथ। क्या तकलीफ दो बोले थे बच्चों को? बच्चों को क्या तकलीफ दो बोले? हाँ क्या बच्चों को तकलीफ? जोर से बोल, सुनने नहीं आ रहा मुझे। मसूद को तकलीफ देना चाह रहे हो? औरत को, उसकी वाइफ को। अच्छा अभी मसूद को मारने का कब था बोले थे? अम्मास में मार बोले क्या, पूनम में मार बोले थे? लास्ट में कब मार बोले थे? जोर से बोल, पूनम में। कैसा मारो बोले थे? एक्सीडेंट करा के, बीमारी पे डाल के, कैसा मारो बोले? जोर से, बीमारी में डाल के। और तू क्या कर रहा था? इसकी पूरी कमाई बर्बाद कर दिया। जोर से बोल, क्या क्या कर रहा था कमाई के बारे में? मैंने जो भी कमा रहा था पूरा कमाने का था। इसको एक रुपया घर को ले लेके जाना। जोर से, घर को एक रुपया ले लेके जाना था, मेरे बरकत था आपके, सो बता दिए इसका। अच्छा, सब लोग के खाने का भी। और इधर इलाज को भी ध्यान दे रहा था तू उसको, अड़थड़ डाल रहा हूँ रुकावट से। और से क्या रुकावटें डाल रहा था? इसको कराने के लिए, पैसे के लिए, इसको जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही। इधर आना नहीं बोल के चलो, उसको जकड़ के रखो, उसको मार मार के खत्म कर देंगे उसको। कितने बार दवा डाले उसको? एक बार डाले क्या, बहुत बार डाले? तीन बार डाले। तुम्हारे वाले इंसान की नस्ल से है क्या, खबीस की है? तुझे जो पकड़ के इसके आंग में डाले तो तू जिन्नात खबीस की नस्ल से है क्या, इंसान की नस्ल से मरे वाला है? मरे वाला है। मरने से पहले क्या नाम था? क्या था? क्या नाम था मरने से पहले? गुमनाम था क्या? बता जल्दी, खिलाओ उस कुत्ते से। कितने लोगों को मारा अभी तक इंसानों को? किसी को? ये पहला शिकार था क्या? चलो उसको बांधो, उसको तेज एक साथ चकड़ के ले लो उसको। बन के डाल दो उसको, और बन के उसको मार मार के चिंदा करके खत्म कराने की तैयारी करो पूरी। बात भविष्यवाणी करने आती दूसरे के बारे का दिखता तुझे? भविष्यवाणी आती करने? चल बता, तुम्हारा नाम बोलो। जी मेरा नाम समीना सुल्तान। समीना सुल्ताना पे क्या करे सोए, बाल लिख गए थे, कपड़ा लिख गए थे? बाल लिख गए थे। और क्या करके डाले सो मार देने के वास्ते? परेशान रहना, अंदर कल के मरना, ठीक है? उनको कहीं में खिलाए सो है क्या? अच्छा वो तुम्हारा नाम बोलो। मोहम्मद महमूद के ऊपर भी करे सो है क्या? देख नजर मार जल्दी। हाँ है,
करे क्या उसके दुश्मनों ने कुछ क्या बोल के करे थे? बर्बाद हो गया पैसा टिकना नहीं उसकी लोगों करा से। अच्छा सब बर्बाद हो गए खत्म होना बोल के। ठीक है चलो इसको बन के डालो इसको जला के राख करने की तैयारी करो। इसको तेज के साथ चकड़ के लो। ओए मकसूद सैयद मकसूद पानी पियो मकसूद पानी पियो। ये जो माजरा है ये जो दास्तान है तो अभी जो भी मैं सामने लाइव में प्रैक्टिकल में कुछ आया अभी से परेशान नहीं कर रहा हूँ उनको। वो लगभग उसने बयान किया अंदर आके उनके जबानी 8 साल से परेशान कर रहा। 8 साल बहुत ज्यादा वक्फा हो गया इसका मतलब आगे कहीं मुद्दत बने वाली थी वो और मुद्दत का एंड होने वाला है। और उसने ये भी अंदर बयान किया वीडियो में देख लो पुन्नम कुछ जिक्र कर रहा था पुन्नम में खत्म करने वाला है और जब डेट करीब आ जाएंगे तो अन करीब है शायद मेरे ख्याल से क्योंकि बहुत आखिरी वक्त होगा। और वो कौन करा क्या करा वो तो आगे वक्त आने पर नामा भी पूछा दूंगा मगर उन्हें अंदर फिर भी इंडिकेशन दे दिया उन्होंने कौन करा तो मैंने उसका अभी नाम नहीं पूछा। और दूसरी बात के वक्त आने पे पूछा दूंगा नाम। ये जो हरकतें कर रहे जादू टोने करते ये जो भी दास्तान है ये सब सब गलत है। दूसरे के वास्ते तुम अगर खड्डा खोदेंगे तो यकीनन तुम भी वो खड्डे के अंदर गिरेंगे क्योंकि दुनिया का दस्तूर है वो। तुम आसमान की तरफ अगर थूकेंगे तो तुम्हारे मुंह पे आके गिरता हो सही है ना। तो वैसा तुम अगर अल्लाह के बंदों को परेशान करेंगे तो फिर अल्लाह भी तुम पे रहम नहीं करता। हदीस नंबर 2 ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास। अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। और बताओ फिर तुम लोग अगर ऐसे हरकतें करेंगे तो फिर तुम्हारा रब तुमसे अगर नाराज हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे लोगों? शैतान के पास जाएंगे कि शैतान के पुजारियों के पास जाएंगे? कि शैतान के पुजारी बहुत बड़े बड़े बातें करते मगर उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं रहता कुछ भी नहीं। पानी पे का बुलबुले के जैसा उन जादू चलेंगे अल्लाह वाले एक मिनट में हटा देते मगर याद रखना तुम्हारा फिर बहुत बुरी मार पड़ती पलट के पड़ा। तो बहुत सारी बातें हैं और ऐसे एक दूसरे के घर गर्म पानी से नहीं चलाना कहीं सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो बला है ये जो बला है ये बला ऐसे चले जा बोले तो जाने वाले किस्म की नहीं है। इसको हजार बार भी मैं इसको चले जा बोलूंगा तो नहीं जाता। फिर इसके अंदर जो दवा अटके अली है जो गन्ने का कुछ वाटर बोला उन्होंने गन्ने का जूस में मिलाकर पिलाए थे 3 बार पिलाए तो वो दवा उसको क्या करती अंदर बैठी अली मखनातीस लोहा कैसा मखनातीस लोहे को खींचता मैग्नेट कैसा लोहे को खींचता लोग चिमक उस तरह वो अंदर बैठे अली दवा वारों को खींच के बुलाती वापस। और वो क्या करते आते इसको कमजोर करते फिर रिटर्न भाग के जाके छुप जाते ऐसा खेल चलता रहता। उन्हें लाग जाने का बोला तो फिर उसको जकड़े वाला है ना उसको खेल बना वाला पूरी सकली है तुमको थोड़ी समझता हो सकली को कैसा काटना और कैसा तरीका है। वो तरीका समझे समझे तक तो इंसानों की आधी से ज्यादा जिंदगी बर्बाद हो जाती है और लास्ट में हलाक हो जाते हैं उसके अंदर घर को पूरा तबाही बर्बाद। उसने तो बयान कर दिया ना उसमें कि 8 साल से हमने इसको तबाह बर्बाद कर दिए थे पूरा 8 साल में और अब जान लेने की तैयारी चल रही ऐसा उस बला का उस शय का कहना था। और वो इंसान की नस्ल से ही था कोई मर्याला मिनहा खलकनकुम फीहानुइदकुम मिनहा नुखरिजकुम तरतन उखरा बल्कि खबर के अंदर मुसलमान ऐसा मट्टी टोकरा फिराता ना कब्रस्तान में हमको मालूम इसने आधे से ज्यादा जनों को उठाने का मट्टी अंदाल देने का अरे क्या है तो मट्टी डाल रहे अरे वो पढ़ के डालने करता सूर्य बकरा की आयत उस पर क्या पढ़ने करता मिनहा खलकनकुम फीहा नुइदकुम मिनहा नुखरिजकुम तरतन उखरा बल्कि तुम खबर में जब मट्टी डालते तो वो सातों हमजाद इंसान के अंदर दब जाते दब गए बाकी वो हमजाद को कोई उठा नहीं सकता। फिर वो मुसलमान का ही आमिल होना पड़ता बहुत बड़ा तो तुम्हें उठा सकता फिर उठा के लेके काम पे लगाते बहुत सारे राज रहते बहुत सारे बातें हैं। और एक शैतानी वसवसे वाला जो शैतान जो हर इंसान के साथ पैदा करे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए तो वो खबर पे चढ़ के बढ़ जाता वो सेम इंसान के जैसा जो खबर के अंदर शख्स है उस शख्स के जैसा हूबहू रहता जो आईने के अंदर दिखता जो आईने के अंदर नजर आता तो तुम समझ रहे हमारा साया वो हमजाद है वो तुम्हारे खबर पे चढ़ के बढ़ता सेम वही जैसा तुम आईने के अंदर देख रहे हो खुद को तो फिर उसको पकड़ के जादूगर काम पे लगाता। और वो हमजाद को अंदर से खींचना बोले तो फिर तुम्हारा बहुत बड़ा अल्लाह वाला किया कोई आमिल लगता मगर वो क्यों उठेगा वो उसकी रूह को उठाने जाएगा तो रूह सामने हाजिर होती और हाजिर होके इतने बातें बयान कर देती पहले तो तुम्हारा सुनती जिन्हें हो वो बोलती कि कैसे से आजाब नाजिल हो रहे तरह तरह के अल्लाह की तरफ से आजाब नाजिल हो रहे वो सुनने के बाद इंसान परेशान हो जाता परेशान होकर बोलता यार तो अंदर बट रिटर्न भग क्या जाता हूँ अंदर वही नको क्योंकि नहीं करना चाहिए क्योंकि कितने इस पर अभी आजाब नाजिल हो रहे हो अपने भी क्या होंगे बोल नहीं सकते इसलिए बोल के वो रूह थर्रा जाती है उसकी भी
और वो जो शैतानी वसवसे वाला लड़ता उसको पकड़ के लेके कामों पे लगा देते हैं। अब ये जो छोड़े वाला है तो ये शमशान से उन्होंने बोला छोड़ा, कब्रस्तान से नहीं छोड़ा, जादूगर ने जो भी है कौन से गांव का नाम लिया एक्स वाई जेड, ये मैं तुमको इसलिए बता रहा कि मैं तुमको नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, और मैं तुमको बताऊंगा तुमसे इल्म बांट रहा हूं मैं ताकि तुमको भी समझ में आना है दुनिया कैसी रहती और कैसे राज चल रहे। शमशान में तो खुले से उन्हें थोड़ी मट्टी पड़ के डाल रहे, वो उन्हें पकड़ लेता और उन्हें पकड़ के क्या करता जादूगर छोड़ देता, सब कामों पे लगा देता उसको लेके, वो खुले से भटक गया उनके, उनको कहाँ से पड़ के डालने को आएगा, वो तो चला दिए उन्हें पकड़ लिया, पकड़ के छोड़ दिया लोगों क्या नहीं। बहुत सारे राज है, बहुत सारे दास्तान है, और उनको जो काम दिया लड़ता वो उसको शमशान जागरूक करना भी बोलते, उसको कब्रस्तान उठाना भी बोलते। अच्छा बहुत सारे उसके नाम है इंडिया की दुनिया के अंदर, तिलम सिंह की दुनिया लगे सब, बहुत सारे बहुत बड़ा राज है। और ये किससे नहीं डरते, तुम कितने भी बड़े रहो, तुम बादशाह के चमचे रहो, तुम वजीर आजम रहो, क्या तुम और कोई रहो, क्या तुम बड़े अफसर रहो, कोई अफसर कोई किसी को गिनते नहीं, उनको जो हुक्म दिए वो काम करते हो, बाकी कितनी भी तुम्हारी सिक्योरिटी रखो बरोबर घुसते हो, किधर से भी घुस के बरोबर हमला करते, ये बलाएं हैं और ये बलाओं की खासियत है। और बलाएं इतने खतरनाक रहते कि उनको अगर हुक्म दे दिया उनके मालिक ने वक्त देख के तो गाड़ियां उठा के नदी में भी डाल देता, गाड़ियों के साथ समझता नहीं उनको। इससे पहले कि मेरे वीडियो में भी है भाई, मैंने बताया वाला पूछाया प्रैक्टिकल में, लड़के को लेके आते उसके आंख में जिन्नात आता और उसको 35 बार सुसाइड अटेम्प्ट कराता हो तो लोग उसको पकड़ लेते बचा लेते झाड़ के सामने फंदा डाल डाल के घर के, बाद में उन्हें बयान करता कि उसके अंदर का जिन्नात कि मैंने इसको तो मार देना था, इससे पहले भी मैंने एक कार के एक जी वो बस जा रही थी, वो बस के अंदर पीले कलर की बस थी और उसके अंदर बोले एक बच्चा था वुहान नाम का, मुझे उसको मारना था, उसके हुक्म दिया था मारने का, मेरे को समझ रहा था सब बच्चे अंदर कैसा निकालू बाहर, तो मैंने सब एक साथ बस को उठाया और गिरा दिया नीचे खाई में, सब 40 को मार दिया। तो नीचे लोगों के कमेंट में भी है कि हाँ फला फला एरिया में बस गिरी थी और 40 बच्चे मरे थे, बरोबर बोल रहा बोले वो, तो वो था एमपी का और यूपी में कहीं हादसा हुआ था, वो सब रिकॉर्डिंग में आया वाला है बयान में। तो ये ऐसी हरकतें करते बलाएं, इसलिए तुम आपको मोमिन बंदो और मुसलमान हिंदू सिख ईसाई हर कोई अल्लाह के कलाम का फैज हासिल कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा सारे आलमों के लिए रहमत, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई वो रहमत से फैजयाब हो सकता, वो फैज हासिल कर सकता और उसके फायदे हासिल कर सकता। तुम अगर पढ़ेंगे तो तुम महफूज रहेंगे, तुम घर से दुआ पढ़ के निकले तो तुम महफूज रहेंगे, तुम सुबह में सूरह यासीन पढ़ेंगे तो तुम शाम तक महफूज रहेंगे, तुम रात सूरज डूबने के बाद सूरह यासीन पढ़ेंगे तो तुम सुबह तक महफूज रहेंगे। तुम पढ़ो, मामूल बनाओ, हर कोई तुम पढ़ने नहीं आ रहा तुम्हारा तो सुनो ना, आजकल तो कैसा दौर होगा जेब में तुम्हारे दुनिया हो गई, अनकरीब कयामत के दौर चल रहा तो तुम्हारे जेब में दुनिया तुम लेके घूम रहे मोबाइल के अंदर, इंटरनेट 5G फलाना उसमें सब है, तुम बोलो तुम्हारे सामने हर चीज आती है। पढ़ नहीं सकते तो गौर से सुनो, हेडफोन लगा के जैसा गाना सुनते वैसा सुबह और शाम दो टाइम अगर सुने तो हर चीज से तुम महफूज रहेंगे। ये सब मैं तुम आपको इसलिए बताता कि तुम अगर खुश रहेंगे तो तुम्हारी पूरी फैमिली खुशहाल रहेंगी, तुम अगर ये वबाओं में घिर गए तो ये इतने खतरनाक और इतने बदमाश चीजा रहते, ये आम आदमी से छोटे मोटे इलाज वाले से डरते भी नहीं, सब उल्लू बना के घुमा के उसके इलाज में पेशेंट की जान तबी बर्बादी करके ले लेते। बहुत कुछ है क्योंकि हर जगह अल्लाह ने इल्म के जानकार नहीं रखे वाले, और हर जगह क्या बोलते तो दुरुस्त करने वाले अल्लाह के बंदे बैठे नहीं है, लाखों में एक रहता, क्योंकि कांच का गिलास कांच की प्लेट कोई भी तोड़ सकता, जोड़ने वाला एकांदा रहता, उसको जोड़ने वाले सब नहीं रहते ना, तोड़ने वाले तो बहुत है शैतान के साथ यहाँ, तो इसलिए समझो एग्जांपल जादू करने वाले तो बहुत है मगर हटाने वाले अल्लाह वाले रहते, अल्लाह वाले लोग। बहुत सारे दास्तान है, बहुत सारे बातें हैं, खुद की जबान में तासीर पैदा करो, पढ़ो सुनो कुरान हदीस तो तुम महफूज रहेंगे। मैं सबके लिए बयान करता, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, तुम सब पढ़ो अल्लाह का कलाम तो तुमको फैज मिलेगा। क्या पता तुम अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे तो अल्लाह तुमको कलाम पढ़ने की बरकत से दीन की दुनिया की दौलतों से भी नवाज देगा। तो ये सब बहुत सारे बातें अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहां से आए थे? कितने बार हाजिर हुआ घर पे? कभी इसने कहीं लेके जाते ना बताने तो ये नहीं आते, ये इनको कहीं नहीं जाते, कुछ बात कर कट कर देते, कुछ रास्ता मोड़ डालते हैं। अभी भी क्या करा इनको, गुमान में रख के लेके आ, अंदर का बोल रहा था ना, मैंने आन देता, अभी भी नहीं अंदर रहा था, इधर भी नहीं, बयान कर रहा था। यहाँ आने के बाद में होगा ना खुलासा? कितने बार में हुआ खुलासा? अभी पहली चक्कर में हुआ कि तीसरी चक्कर में हुआ? नहीं पहली बार में हुआ। अभी मैं हाजिर करा तो 10 लाख 5 लाख कुछ तो दिए होंगे मुझे हाजिर करने के, पूछाने के? नहीं नहीं, नहीं, नहीं। 2-4 लाख तो दिए चुके? नहीं, नहीं। अभी सवाल जवाब करने के? नहीं कुछ नहीं। 2 लाख 5 लाख 10 लाख कुछ तो दिए होंगे? नहीं। और दूसरी बात क्या बोलते, तुम्हारा कितने चक्कर में हुआ हाजिर अभी?
पहली चक्कर में लोगों सामने बैठते थे। हाँ। ऐसे सबका अलग इधर मौसम। और इससे पहले कभी हाजिर हुआ का उनका घर पे? कभी नहीं हुआ, खाली परेशानी रहती है। इतना बोरान और कोई वो क्या नाम है फहीम करके एक और वो है इन लोग का। अच्छा अभी यहाँ कुछ सवाल जवाब है तो कुछ याद है क्या तुम क्या हुआ तो? हाँ जोर से बोलो। अभी यहाँ मेरे सामने बैठने के बाद क्या हुआ कुछ याद है क्या? कुछ भी नहीं, खाली उंगली में दर्द। कुछ हुआ तो यहाँ सवाल जवाब कुछ याद है क्या? कुछ भी नहीं, जोर से बोलो। नहीं वैसा तो कुछ नहीं। अभी इन्होंने बोल रहे हैं कि ऐसा इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, इनको कुछ भी याद नहीं है, क्या हुआ पूछ रहे हो ना। रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो उनको समझ में आएगा क्यों। और दूसरी बात, पहली बार में आए सबका अलग अलग रहता, पहली बार में सवाल जवाब हो गए क्या दास्तान है अल्लाह के हुक्म से सामने ला के बता दिए, क्योंकि यहाँ निजाम जो है वो अल्लाह की तरफ से चलता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं और जो भी है अल्लाह के कलाम से सामने पढ़ा, सामने बता दिया, सामने आ गई पूरी दास्तान। वो इसलिए सडनली जल्दी आई, तीसरे राउंड तक टाइम नहीं दिया उनको, पहले इस वास्ते ला ली क्योंकि वक्त कम बचे अल्लाह तो जान जाने को जाने को बहुत करीब आ गया वाला टाइम उसका। और उन्होंने बोला ना पूनम में खींच लूंगा, तो अल्लाह का निजाम चलता है, तो अल्लाह ने पहले ही चक्कर में सामने ला के सब बता दिया पूरा खुलासा। सबका अलग अलग रहता और हर तरीके से रहता, और खुलासा तो यहाँ होता ही, खाली तुम लड़ने की नियत मत रखो लोगों से जिसका भी नाम निकला। यहाँ खुलासा नहीं होगा, यहाँ नाम नहीं निकलेगा तो फिर नाम कहाँ निकलेगा, ऐसी बात है। और बेशन को कुछ याद भी नहीं रहता उसके साथ क्या हुआ क्या सवाल जवाब, खाली सामने बैठा और दुआ के पानी की बॉटल से पानी चेहरे पे मारे, उनका पानी लाया वाला साथ में सील पैक फोड़ के दूसरा उनको पानी की सील पैक की बॉटल उनको दिए पिला दिए, सब होगा राइट का सब सामने की सामने दास्तान है। और अंदर हटके यदि दवा है तो वो दवा को उसके तरीके से काट के चलाना पड़ता है, उसके सब रूल्स रहते अलग अलग, अपने मनमानी से नहीं चलता, और जैसे तरीके रहते तरीकों को फॉलो करना पड़ता। वो बोलते हैं ना तुम बोलेंगे नहीं नहीं हम ही अपने मर्जी से करेंगे अपने मर्जी से, तो फिर वो कौन से भी मामले में अपनी मर्जी नहीं चलती, हर चीज़ का एक थेरीज होती है, हर चीज का एक तरीका है, उस तरीके से अमल करना पड़ेगा। सिर दुखेगा तो पेट के दर्द की गोली खाएंगे तो नहीं जमता, सिविल इंजीनियर के पास में जाके बोलेंगे पेट दुख रहा दर्द हो रहा गोली दे तो उन्हें बोलेंगे सटिया ही क्या पागल खाने की वजह उसको, मैं तो बिल्डिंग का नक्शा बनाने वाला हूँ। जज के पास जाके बोलेंगे बिल्डिंग का नक्शा बना के दो तो जज बोलेंगे अरे क्या पागल होगा क्या, सबसे पहले जेल में डालो, मेरे हाथ में फैसला देना है, मैं कहते नक्शे बना के दूंगा बिल्डिंग के। ऐसे हर चीज की दायरे में हर चीज को एक मुकर्रर करे अल्लाह है, उस हिसाब से अमल रहते हैं, हर चीज रहती, बहुत सारे बातें हैं कहने सुनने से ज्यादा। अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, रोक दो।